खबर बड़वानी से कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिला अस्पताल एनआरसी केंद्र का निरीक्षण कर ऑक्सीजन संयंत्र का अवलोकन किया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, जिला पंचायत सीओ ने जिला चिकित्सालय सहित कलेक्टर महिला अस्पताल और एनआरसी वार्ड पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लोगों से उनके हालचाल पूछे, व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करी। इस बीच कलेक्टर वार्ड में गए भर्ती मरीजों से मिले, अस्पताल परिसर में खाना खा रहे और बैठे लोगों से बातचीत की, अस्पताल प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीच कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिला अस्पताल में स्थापित नवीन ऑक्सीजन संयंत्र का ट्रायल रन अपने समक्ष करवाया। अधिकारियों ने स्वयं भी आईसीयू और अन्य वार्डों में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन फ्लो का परीक्षण स्वयं वॉल्व खोलकर किया। कलेक्टर ने सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद सत्य को निर्देशित किया, वो वार्ड में कार्य करने वाले समस्त चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण और टेस्ट बार बार करवाएं, जिससे संयंत्र संचालन के दौरान आने वाली कठिनाइयों से उसके निवारण हेतु किए जाने वाले कार्यों से अवगत कर और अपडेट रहें। आज हम लोगों ने एनआरसी वार्ड का भी किया और पूरे जिला अस्पताल में जो ऑक्सीजन हमारे प्लांट लगे हुए हैं उनसे ऑक्सीजन की सप्लाई बेड्स तक हो रही है नहीं हो रही है, हमने पूरे ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन प्लांट चालू किए, उनको वेंटिलेटर से जोड़ा गया, हर बेड पर ऑक्सीजन का लेवल चेक किया गया, ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने चेक की हुई है। मैंने और सी जिला पंजाब हमारे ऋतुराज जी, CMHO सबके साथ में, हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी हुई है, हमारा बाकी स्टाफ से भी ट्रेनिंग हुई है, हम लोग ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में यदि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की तीसरी लहर आती है तो हमारे पास में पर्याप्त व्यवस्था बनी रहे और शासन की ओर से ढेर सारी जो सुविधाएं दी गई हैं उनका पर्याप्त उपयोग हो पाए। एनआरसी केंद्र का जैसे हम देख रहे हैं, एनआरसी केंद्र में हमारे यहाँ जिले में 6 NRC में 70 बच्चे का बेड्स हैं और हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं कि इसमें अधिक से अधिक बच्चों का इलाज हो। और अच्छी बात यह है कि पूरे प्रदेश में हम लोग NRC की बेड ऑक्युपेंसी में प्रदेश में प्रथम ही चल रहे हैं। और हम लोगों ने जो मिशन बाल शक्ति के तहत में जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की व्यवस्था की हुई है उसका भी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं कि उससे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हम लगातार इसकी अस्पताल में आके विजिट करते रहते हैं और ये हमारा लगातार विजिट का ही एक पार्ट है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।